लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, जो लोग नहीं आए थे थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ, ठीक है। चक्रों के बारे में बताया था मैंने, दृष्टि के बारे में बताया था, जाप के बारे में बताया था और त्राटक के बारे में, ठीक है। त्राटक, जाप, ध्यान और दृष्टि, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम काम कर रहे हैं दृष्टि के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बताई थी यूट्यूब पे, तो 3 वीडियो डाली है, उसके बाद अब वीडियो नहीं आएगी क्योंकि सारी चीजें निजी रूप से सिखाई जाएगी, क्योंकि सारा चीज अब सारी चीजें खुल के ऑन एयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज्यादा आउट लाउड होने से दिक्कत आती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत अंदर रखेंगे और बहुत कम बाहर दिखाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए जो सीखने आ रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको ही मिलना चाहिए, जो नहीं कर रहा, क्योंकि लोग बस सुनते हैं दिमाग से निकाल देते हैं। सत्संग 40,000 लोग सुनते हैं, फॉलो कितने करते हैं, सिर्फ 40, तो उन 40 के लिए फायदा होना चाहिए ना कि 40,000 के लिए, ठीक है। मैंने लास्ट बताया था चक्र होते हैं, हमारे 7 चक्र होते हैं मेन, ठीक है। 7 चक्रों में से 6 चक्रों पे हम अभी काम करेंगे, सबसे लास्ट का आगे चक्र, इसे हम एक्टिव करना है। सबसे पहले नीचे के 3 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, 3 आपस में चिपके होते हैं, 2 बीच में होते हैं, विशुद्धि और अनाहता। अनाहता हृदय के पास होता है, ठीक है, और सबसे लास्ट में होता है आगे चक्र, तैसरार को भी नहीं लिखता, ठीक है, क्योंकि हमें समाधि में नहीं जाना है। इसमें 3 चीजें आती है, ध्यान, धारणा, समाधि। पहले हमने जप किया, जप नाभि पर ठहरा, नाभि से ऊपर गया, ब्रह्मरंध्र पिटिका, ब्रह्मरंध्र फोड़ के बाहर गिरा। बाहर गिरने के बाद इसने ओरा बनाया, ओरे को हम हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल। क्या बोलते हैं? आभा मंडल। ओम ध्वनि, मैंने ओम पे बताया था ना, ओम ध्वनि उड़ती है, जाप धीरे धीरे नाभि पर ठहरता है, नाभि से उठ के ब्रह्मरंध्र पे जाता है, ये आपका ब्रह्मरंध्र है। मंत्र का उठाव इस तरीके से होता है, जैसे ये रेड बिंदु दिख रही है, ये पूरी बॉडी है। नीचे पैरों को हम सूक्ष्म रखते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने कमल का फूल बनाया है, ठीक है। कोई भी देवता होते हैं प्रॉपर बैठ के ही आपको पूजा करनी चाहिए, बैठे हुए देवताओं की पूजा करनी चाहिए, खड़े हुए देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। घर में कोई स्थापित करनी है, खासकर माता लक्ष्मी और कुबेर जी की, तो बैठे हुए ही लाने चाहिए, माता सरस्वती भी, ताकि उनका जो ऊर्जा है वो टिकी रहे, ठीक है। पैरों को सूक्ष्म लेंगे, पैरों को अभी हम नहीं गिनेंगे जब तक हम पूरी तरीके से समाधि तक नहीं जाते, क्योंकि पैर धीरे धीरे पकते हैं, बॉडी पूरी तरीके से पकती है। क्यों? क्योंकि प्राण ऊर्जा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और विश्व ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, क्योंकि विश्व ऊर्जा ग्रेविटी का पालन करती है और प्राण ऊर्जा ग्रेविटी के विपरीत चलती है। सबसे पहले ओम ध्वनि से नाभि पे मंत्र टिकता है, धीरे धीरे उठता है, ब्रह्मरंध्र फोड़ के ओरे बनाता है। ओरे जाप के गोले होते हैं 12, निजी रूप से 12 गोलों का मतलब होता है कि आप एक तरीके से पूरी तरीके से किया गया जब आपके ओरे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम आभा मंडल बोलते हैं। आपके शरीर का आभा मंडल कितना तेज हो सकता है, वो इस सारे कलर्स में होता है, जैसे रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, इसी को मल्टीप्लाई करके जो भी डार्क कलर्स बनते हैं सारे 12 सर्कल्स में गिनते हैं हम, कितने में, 12 सर्कल्स में। ये 12 गोले इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बाद पूरी बॉडी ब्लैक हो जाती है या फिर व्हाइट हो जाती है, ठीक है। ये आपके ऊपर है आप किस तरीके का जाप करें, अगर हनुमान जी का कर रहे हैं तो बॉडी ऑरेंज हो जाएगी, अगर देवी का कर रहे हैं बॉडी रेड हो जाएगी, अलग अलग तरीके से। इसलिए मैंने सारे कलरों का, सारे रंगों का मिश्रण क्या होता है, ब्लैक, इसलिए मैंने ब्लैक बनाया ताकि फोकस रहे, ठीक है। जिस देवता का आप जप करते हो उसका, आपका आभा मंडल उसी देवता के रंग के हिसाब से बदलता रहता है, और जब सारे देवताओं का जप एक बार में कर लेते हो तो सबसे ज्यादा बेहतरीन ओरा जिसका बोला जाता है उसका ओरे का कलर होता है गोल्डन। कौन सा? गोल्डन कलर के आभा मंडल का शरीर सबसे उत्तम माना जाता है, जैसे सप्तऋषियों का था, जितने भी सप्त ऋषि थे उसमें से अगस्त ऋषि जो थे वो सबसे ज्यादा आभा मंडल अपना दिखा पाते थे, क्योंकि उनकी कुटिया दूर से चमकती हुई नॉर्मल आदमी को खुली आंखों से भी दिखाई देती थी, ठीक है। ये आपके 12 सर्कल्स का सारा मेन है, तो ये जरूरी है आपके लिए, इसके बाद एक कवच बन जाता है जिससे आपके शरीर की सुरक्षा होती है, ठीक है। आभा के साथ साथ आपके ओरे का शुरू के 3 मुख्य गोले होते हैं जो 3 रूप में काम करते हैं। पहले ब्रह्मरंध्र से इधर का ऊर्जा गिरती है, फिर इधर का ऊर्जा गिरती है, फिर वो आपस में गोल घूमने लगती है, ठीक है। ये अभी पैरों पे काम नहीं करती, सिर्फ आपके आसपास एक कवच बनाती है। पहले 3 बनते हैं, फिर 12 बनते हैं, समझ में आ रहा है? ना आए तो पूछ लेना बीच में हाथ उठा के। जब पूरी तरीके से गोले पक जाते हैं तो आपको एक ट्रायंगल शेप मिलती है, ट्रायंगल शेप मिलेगी। उसके बाद आपको चक्रों के मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इष्ट मंत्र जप रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम, और भी बाकी सारे मंत्र जो भी आप जपते हैं, अगर आप कोई भी इष्ट मंत्र का जाप लगातार कर रहे हैं तो आपको चक्रों के मंत्रों का जप करने की जरूरत नहीं है। ओम हम लम यम यम, ठीक है, सुने है ना मंत्र, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये रिकैप है, अभी तक मैंने बहुत विस्तार से बताया था,
और दृष्टि इसके बाद जागृत होने लगती है। ऊपर एक कमल, कमल होता है 1000 सहस्रार चक्र का मतलब, सहस्रार का मतलब होता है 1000, 1000 पंखुड़ों का एक कमल होता है जो फूल होता है, वो बंद होता है। जब हम अपने आगे चक्र को जागृत कर लेते हैं तो ऊर्जा उसमें सटीकता से दबाव देने लगती है और कॉस्मिक एनर्जी पूरी तरह से शरीर में फैलने लगती है और शरीर को ट्रायंगल शेप में बांधने लगती है। ठीक है, उसके बाद आपका सहस्रार होता है जिसके बाद आपकी लगती है ध्यान धारणा समाधि। क्या लगती है? ध्यान धारणा समाधि। समाधि को अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि समाधि लगने के बाद ईश्वर के एक दर्शन हो जाते हैं तो वापस कोई भी नहीं आना चाहेगा क्योंकि हम लोग ग्रस्त हैं। तो अभी ध्यान धारणा तक ही रहेंगे। जब हम ध्यान लगाते हैं जाप के बाद, तो ध्यान के बाद जब ट्रायंगल शेप में, ट्रायंगल फोर्स में आपका ओरा आ गया है, उसके बाद आपका सटीकता से ध्यान लगने लगता है। आप 45 मिनट तक आराम से बैठ पाएंगे। कम से कम ध्यान आपका लगना चाहिए 10 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए 45 मिनट का। जाप आप कम से कम 11 माला का करो और ज्यादा से ज्यादा 100+ करनी है। 100 माला भी कम है। अगर जाप चाहिए, अगर किसी को झाड़ा लगाना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जाप हो, क्योंकि एनर्जी नहीं रहेगी। अगर तुम्हारे मटके में पानी नहीं है तो दूसरों की प्यास क्या बुझाओगे? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ध्यान का मतलब सबको पता है, आंख बंद करके ध्यान करना जिससे दिव्य दृष्टि खुलती है। धारणा का मतलब है ध्यान के बाद एक धारणा आती है जिससे शरीर का पता चलता है, आपके बोलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके व्यवहार इमोशंस का सारा बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि एक आध्यात्मिक आदमी जो 10 साल पहले था, वो 10 साल के बाद पूर्ण रूप से उसका व्यवहार, स्वभाव, निजी रूप से खाने पीना सब कुछ बदल जाता है। ध्यान के दौरान हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए, मैं उसके लिए आपको बताने जा रही हूँ। आपकी बॉडी को हील करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है बॉडी को खाना। खाना आप किस प्रकार का खाते हैं इससे आपके शरीर की बनावट और शरीर के अंदर उठ रही ऊर्जा का सारा लेन देन हिसाब तय करती है। अगर आप मांसाहारी हैं तो आपका स्वभाव हमेशा गर्म रहेगा, आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाएंगे और शरीर में जाप की ऊर्जा बहुत कम दिखाई देगी, मलिनता आराम से पकड़ लेगी और नेगेटिविटी आपको जकड़ लेगी आराम से। आप नॉनवेज लेके घर जाएंगे, खुद खाएंगे, उसके साथ नेगेटिविटी आ जाती है आराम से, क्योंकि अगर आप जीते जी मांसाहारी होते हैं तो मरने के बाद भी मांसाहारी को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है मूलाधार चक्र जो रेड कलर का होता है, जैसा पेंटिंग में दिख रहा है। मूलाधार रेड बहुत ज्यादा होता है तो हमें लाल रंग की चीजें खानी चाहिए। ठीक है, लाल रंग की चीजों का मतलब है बीटरूट। बीटरूट का मतलब होता है चुकंदर। चुकंदर में सबसे ज्यादा लाल रंग होता है तो आप उसको खा सकते हैं सलाद की तरह, या फिर उसको पीस के रोटी में आटा गूंद के उसकी रोटियां भी खा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इससे आपके शरीर की सारी नाड़ियां एकदम से जागृत हो जाती है और आपके अंदर सात्विक भाव आने लगते हैं। चुकंदर हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, टमाटर हो गया और सारे रेड लाल रंग के जो भी फल सब्जियां हैं शुरुआती में उनको आपको खाना चाहिए। ये नियम आपको 15-15 दिन तक फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले मूलाधार को पकाएंगे जिसमें लाल चीजें खाएंगे, उसके बाद दूसरा कलर होता है ऑरेंज, मतलब संतरी रंग। जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो हमें सबसे पहले लाल रंग दिखाई देता है ना, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। जब हम संतरी रंग की तरफ पहुंचते हैं तो हमें सारी चीजें जो भी ऑरेंज कलर के, जैसे संतरा हो गया, ठीक है, जो ऑरेंज किंगू हो गया, संतरा हो गया और जो भी ऑरेंज कलर की चीजें उनको खाना चाहिए, जैसे आपके बादाम हो गया, नट्स भी सारे ऑरेंज में ही आएंगे तो बादाम हो गया, बादाम भी ऑरेंजिश ही होता है तो वो आप खा सकते हैं, कद्दू हो गया आप वो खा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, गाजर हो गया, गाजर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है तो उसको जूस भी पी सकते हैं आप। तीसरे चक्र पे उठेंगे, आपका येल्लो कलर का होता है, येल्लो कलर का पीले रंग का, इसमें आप पीली शिमला मिर्च खा सकते हो। ठीक है, आप धीरे धीरे पीली चीजें ऐड कर सकते हो, केले हो गए वो खा सकते हो, पीली तो बहुत सारी चीजें, पीले में तो बहुत, ठीक है, बहुत सारी चीजें, पपीता हो गया, आम हो गया, बहुत सारी चीजें। ठीक है, पीली सब्जियों में ज्यादातर शिमला मिर्च हो गई और आपके जो भी बीज में जिसके पीले वो भी आप खा सकते हो। ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा केला बहुत ज्यादा फायदा करता है बॉडी को। ठीक है, चौथे चक्र पे हम आते हैं, वो लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, जिसको हम अनाथ चक्र बोलते हैं। उसको जागृत करने के लिए आप सारी हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। ठीक है, ये सात्विकता जीवन जीने के लिए, अगर आपको अपनी दृष्टि बहुत ज्यादा क्लियर करनी है तो 15-15 दिन तक इस डाइट को आप फॉलो कर सकते हो। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी ध्यान धारणा जाप के समय हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारी बहुत क्रिस्टल क्लियर, क्लिस्टर के, जैसे हाथों में नेल पेंट लगाते हैं तो हाथ सुंदर लगने लगते हैं ना, ऐसे जो हम खाते हैं अंदर से अंतराल का आंतरिक शरीर बहुत सुंदर दिखने लगता है। ठीक है, जिससे आपकी दृष्टि बहुत ज्यादा काम करने लगती है। तो आप दही खा सकते हैं चौथे चक्र के लिए, ठीक है, दही खा सकते हैं, उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, हरी चीजें जितनी भी है वो सारी खा सकते हैं। उसके ऊपर होता है आपका विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के लिए पर्पल रंग की चीजें,
ठीक है, जैसे जामुन हो गया, ठीक है, आप जामुन खा सकते हैं, शहतूत खा सकते हैं, और अंजीर खा सकते हैं, और आपका किसी भी चीज का छिलका हो गया, जैसे आड़ू भी आप खाई सकते हैं, वो भी पर्पल पर्पल कलर का ही होता है, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद होता है ब्लू कलर का, आज्ञा चक्र ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंट चक्र होता है वो होता है पिंक कलर का, जिसको हम सहस्रार कहते हैं, ये सबसे चक्रों का पिताजी बोल लो, ठीक है। तो इसके लिए हम सारी, जब हम सहस्रार चक्र पे पहुंचेंगे तो फिर हम सीधा हवा पे आ जाएंगे, क्योंकि जब समाधि में जाते हैं तो सारी भौतिक चीजें छोड़ देते हैं और सिर्फ हमें हवा पे और पानी पे जीवन जीना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें सात्विक जीवन जीने के लिए, जो खाने की चीजें हैं वो क्या क्या आपको खानी चाहिए, इनके विपरीत, इनके अलावा आप दालें खा सकते हैं, ठीक है, सात्विक आलू खा सकते हैं, जो हम उपवास में खाते हैं, आटे में आप कुट्टू का आटा खा सकते हैं, ये सब आपको पता है, गेहूं का आटा भी नुकसान करता है हमें, क्योंकि वो बॉडी में चिपक जाता है, ठीक है। तो जो चिपकता नहीं है वो खा सकते हो, आजकल तो डॉक्टर भी मना कर देते गेहूं का आटा खाने के लिए, क्योंकि लोगों को वीट एलर्जी होने लग गई है, क्योंकि पचा नहीं पाता, पाचन क्रिया इतनी ज्यादा मोमोज वगैरह खा खा के हमने खराब कर ली कि हमारी पाचन शक्ति एकदम खराब हुई है, सबसे ज्यादा कारण है, रैंडम नहीं बताती, कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। तो पांच तरीके का जीवन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये हो गया खाने का सारा, ठीक है। कुछ जैसे जैसे हमें ये रंग दिखते जाएंगे, जो आपने चीजें बताई है, उसके बाद खाने शुरू करने, हाँ, अगर नहीं भी दिखते तो 15-15 दिन में खाते रहो, ताकि बॉडी खाने के हिसाब से भी रंग बदलती रहे, ठीक है। और जैसे ठीक है, इसमें दाल और सब्जियां पालक है तो उसमें गार्लिक डाल सकते हैं, विदाउट गार्लिक, अभी आप प्याज लहसुन खा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपको छोड़ना है नहीं छोड़ना, नॉन वेज बिल्कुल मना करूंगी, ठीक है, क्यों, एक तो वो भारी है, आपको आलस बनाएगा, ठीक है, कहते हैं ना खाना खाके तुरंत नींद आती है, क्योंकि उसमें बहुत आलस होता है, आप 9 दिन नवरात्रि का फास्ट करते हो, 10वें दिन खाना खाते हो या 9वें दिन खाना खाते हो, उसके बाद आपको नींद आती है, क्योंकि खाना बॉडी में आलस बनाता है। सात्विक जीवन में खाना कम इसलिए कहा जाता है ताकि आपको कम से कम आलस आए, आप ज्यादा से ज्यादातर बैठ पाए, भूख कम से कम लगे, और ज्यादा से ज्यादा जाप कर पाए, क्योंकि जब आप भूखे रहते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी विपरीत जो भी अनगल चीजें होती है उसको खा लेती है, ठीक है, आपकी नेगेटिविटी खा लेती है पॉजिटिविटी, तो प्राण ऊर्जा ज्यादा काम कर पाती है, जिससे आपके जो बची हुई चीजें हैं ना बॉडी में वो सारी पच जाती है, तो आपको एक हीट देती है, कभी हड्डी टूट जाती है अपने आप कैसे जुड़ जाती है, कोई दवाई लगती है नहीं ना, बॉडी के अंदर एक प्राण ऊर्जा है ना जो काम कर रही है ठीक करने का, वो आपकी चक्रों को भी हील करती है, आप उसको टाइम दोगे तो, इसलिए थोड़ी सी बॉडी में दिक्कतें आती है। मुझे मेरे को पूछना है कि जैसे आपने बोला प्याज खा सकते हैं, तो मतलब बोलते हैं कि थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस, काम क्रोध बढ़ता है, हाँ, और बढ़ता काम वासना बढ़ जाती है, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा तमस के गुण होते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए, मगर मैं एकदम से सबको ब्रह्मचारी तो नहीं बना सकती ना, सात्विक नहीं कह सकती कि भाई एकदम बिल्कुल ही छोड़ दो, देखिए भाई कुछ घरों में होता है भाई एक साथ सबका खाना बनता है, चार लोग लहसुन प्याज खाने वाले हैं, एक आदमी बिना लहसुन प्याज खाने वाला है, तो वो आपको मेंटेन करना है कि आपको खुद को कैसे मेंटेन करना है, अगर देखो भाव की बात है, एक आदमी को जो मिलता है वो खा लेता है और वो फिर भी भक्ति कर रहा है, उसे सब प्राप्ति हो रही है, एक आदमी सब कुछ छोड़ के बैठा है तो उसको तब भी प्राप्ति नहीं हो रही, तो एक सात्विक जीवन और बिना सात्विक जीवन के अंदर भी एक भाव सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल अच्छी नहीं होती, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साधना के दौरान हम जब 11 दिन की साधना करते हैं बीच में, तो बिल्कुल मैं बंद करा देती हूँ, नहीं खाना चाहिए, तो अगर आप हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते तो अपने आपको 15-15 दिन का टाइम दे सकते हैं, धीरे धीरे करके छूट जाएगी। नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी गुरुजी की जो इससे स्पीड है, जो कुंडलिनी के उठने की जो स्पीड है उसके मतलब इफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप बार बार अपनी कुंडलिनी का तमस, अपनी बॉडी का तमस बढ़ाएंगे तो आपका द्रव्य बाहर गिरेगा, जब द्रव्य ऊपर उठ ही नहीं रहा तो फिर फायदा क्या है चक्रों के खुलने का, समझ आया। अगर एक बॉडी में द्रव्य बन रहा है, हमें उसे उठा के आगे चक्र पे ले जाना है, तो उसको संभालना भी तो पड़ेगा ना, बीच बीच में बार बार आप खाना पीना अपना बदलोगे तो ये बाहर चला जाएगा, आपको पता है चाय भी नुकसान करती है आध्यात्मिक इंसान, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा ना सर में ऐसी नाड़ियां उससे जागृत होती है, जिससे विचार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और सोचने की क्षमता वो कम कर देती है, ठीक है, ऐसे और भी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सारी चीजें, हाँ, ये चीजें बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि ये आपकी नींद डिस्टर्ब करती है, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो अगर आप सो ही नहीं रहे, उठे हुए तो वैसे ध्यान नहीं लग रहा, अगर आप सोते हुए भी ध्यान नहीं लगा रहे, सोते हुए भी तो ध्यान ही करते हैं, हमें पता थोड़ी चलता सोया हमारा एक बराबर होता है, इंसान कितने लोगों को याद रहता है वो सो गए, आपको पता है सुबह उठे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान तूने एक और जीवन दे दिया, एक और दिन दिया जीने के लिए, आप सोए और नहीं उठे क्या पता चल रहा है किसी, तो सोए, जब हम सोते हैं बॉडी पूरी रात भर
आप 8 से 9 घंटा 10 घंटा ज्यादा मान लो उतना सोते हो, तो उतनी देर बॉडी कॉस्मिक एनर्जी सारी ऑब्जर्व करती है और उसी से हम पूरे दिन के कार्य कर पाते हैं। अगर उसके अलावा हम मेडिटेशन करते हैं तो हम वो कार्य बहुत तेजी स्पीड से कर पाते हैं, इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं। मगर हम कुछ लोग मेडिटेशन अपनी डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में ऐसे बड़े हादसे हुए होते हैं जिनसे वो पूरी तरह उभर नहीं पाते। कहते हैं ना, दिमागी रूप से एक जेल में बंद हो जाना, उसका दरवाजा आपको कभी नहीं मिल पाता जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। उससे अच्छा है आप घर में डेली बेस पे सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन साउंड लगा के सिर्फ उसको सुनोगे, गहरे ध्यान करने के अलावा भी, तो भी आपको पता चलेगा, नहीं रिलैक्स माइंड हो जाता है, हो जाता है। आप आंख बंद करके बैठो थोड़ी देर और 10 मिनट के लिए सिर्फ अंदर के विचारों को आने जाने दो, विचारों को भगाना नहीं है, आने जाने देना है, ठीक है? बहुत गहराई से नहीं तो बहुत धीरे से, जब पैर दुखने लगे पैर हिला लो फिर वापस बैठ जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं है पैर दर्द हो रहे जबरदस्ती बैठे पड़े दर्द हो रहे, ऐसा नहीं करना। आंख बंद करे रहो, पैर हिला लो, वापस सेम पोजीशन में आ जाओ। मुझे कई बार ऐसा होता है कि पैर नंबनेस यानी कि सुन हो जाए, सुन हो उसके बाद हमें इफेक्ट नहीं पड़ता वो कितनी भी देर हम बैठे। एग्जैक्टली उसी पे काम करना है, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा, फिर 10 मिनट बाद होने लगेगा, फिर 45 मिनट तक भी बैठ जाओगे तो भी पैर का सुनपना पता नहीं चलेगा, क्योंकि बॉडी को पता चल जाएगा इस टाइम भाई ध्यान करेगा करेगा, ठीक है? बॉडी को सिखाना है और साथ में खुद भी सीखना है कि बॉडी में क्या बदलाव हो गए, ठीक है? ध्यान करने से पहले क्या बदलाव थे, क्या होते थे बॉडी के अंदर, और ध्यान करने के बाद क्या होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि लाइफ का 5 सर्कल, लाइफ का जो चक्र है वो 5 सर्कल में डिफाइंड है आपका, ठीक है? सबसे पहला हवा, पानी, जो 5 पंचतत्व वो सारे उस पर बेस है, आग, हवा, पानी, आंतरिक की आत्मा, ठीक है? कुछ लोग उसको अंतरिक्ष से भी तोलते हैं, और आपकी जो एनर्जी होती है बॉडी की जिसको हम सूक्ष्म आत्मा या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए। मैंने कुछ इंद्रियों के बारे में भी बताया था, हमारी 10 इंद्रियां होती है, 5 काम की होती है, 5 ज्ञान की होती है। जो काम की इंद्रियां होती है वो हमारी नाक, आंख, कान, जीवा, हाथ, टच करके हमें पता चलता है, देख के पता चलता है, स्वाद से पता चलता है, ये हमारी काम इंद्रिया होती है। और इसके विपरीत जो होती है ज्ञान इंद्रिया होती है। अगर आप काम इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से काम इंद्रियों पे काबू कर लेते हैं, मतलब आपको स्वाद से कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी देख रहे हो, जैसे होता है ना लोग दूसरों की जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी देते हैं, तो हमें इससे दूर जा रहे, ठीक है? अगर आप देख रहे हो तो आप इस सिचुएशन में आ जाते हो, बॉडी दिख रही है, क्या दिख रहा है, फेस दिख रहा है, और आंखें उसकी बंद है, और आंखों में येलो लाइट जल रही है, और सेम लाइट थर्ड आई पे जल रही है जो खुली हुई है, तो आपको इस अवस्था में जाना है। बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है, बॉडी को इतना जाप करना है कि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर ले, और इनर बॉडी आपकी ऐसी दिखनी चाहिए, अंदर का शरीर गायब हो। कभी किसी जिन को देखा उसके पैर नहीं होते, मतलब वो इतना ज्यादा जीवन सर्कल में घूम चुका है कि उसके पैर गायब हो गए, और हमें क्या करना है, पूरे गर्दन से लेके पैर तक सब गायब करते हैं इंटरनली, जिससे हमारी एक बार दृष्टि खुल गई तो हमें ब्रह्मांड का कुछ ऐसा दिखाई देता है, इससे भी और अलग तरीके की चीजें दिखाई देती है। ये तो मैं कुछ बना नहीं पाई ज्यादा गहरा, बस मैंने बना दिया जितना मेरे समझ में आया, ठीक है? ऐसा दिखता है और आपको ऐसा लगेगा कि 2 मिनट के लिए पूरी बॉडी सुन हो गई है, और सिर्फ ना फेस और श्वास काम कर रही है। थोड़े टाइम के बाद ना श्वास आनी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के सारे रोम छिद्र सांस लेने लगेंगे। इस गहरे ध्यान में जाना है, ठीक है? अभी हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे और फिर मैं बताती हूँ ध्यान कैसे करना है, ठीक है? थोड़ा खुले होकर बैठ जाओ।